hello everyone today i am with another topic of business study that is controlling so as you know that controlling is the function of management and it is a very important managerial function as it is concerned with taking necessary measures or preventive actions to ensure achievement of organizational goal so with this let's see what is controlling so controlling function

और ये देखते हैं कि अगर कोई डिफरेंस है या डेविएशन है आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में तो हम उसका रीज़न फाइंड आउट करते हैं और उन रीज़न्स के लिए हम करेक्टिव मेज़र्स लेते हैं और एक्शंस लेते हैं जिससे कि वो रीज़न्स स्टॉप हो जाएं और फ्यूचर में हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के साथ मैच हो जाए ओके सो It is clear that the managerial function of control consists of comparison of the actual performance with the plant performance with the object of discovering whether it is going on well according to plans, and if not, then why? And taking out some corrective measures also to match the actual performance with planned performance. Okay. And with this i want to say that controlling is not the last function of management but you can say it is the function which bring back the management cycle to planning okay and we have controlling has a very wide scope as it does not end only by comparing the actual performance with planned performance but it tries to find out the reason or in the solution for such problem also. See, for example, if an enterprise has planned that output should be of one thousand unit, and actual output comes out that, at eight hundred unit, then controlling function will look for reasons of this deviation, and will take some corrective measures regarding these particular reasons also. सी विद दिस वी हैव टू आस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग फर्स्ट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड अदर इज ऑपरेशनल कंट्रोल और ऑपरेशनल आस्पेक्ट सी आपके दो टाइप के आस्पेक्ट होते हैं कंट्रोलिंग के पहला है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जहां आप चेक करते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजीज़ और प्लान्स कितने अफेक्टिव हैं और दूसरा आस्पेक्ट है आपका ऑपरेशनल आस्पेक्ट जिसमें आप फोकस करते हैं मैनेजीरियल और बाकी एक्टिविटीज़ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन की है ओके okay? सो so, आपके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं आपका प्लान परफॉर्मेंस जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं होता है तो वो स्ट्रैटेजिक रीजंस भी हो सकते हैं और ऑपरेशनल रीजंस भी हो सकते हैं तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि कंट्रोलिंग क्या है सो so कंट्रोलिंग में सिंपली आप अपनी प्लान सॉरी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि कोई अगर डेविएशन है तो हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं ठीक है नाउ विद दिस वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंट्रोलिंग दैट इज नेचर या फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग सो अब फर्स्ट फीचर ऑफ कंट्रोलिंग इज इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन सो कंट्रोलिंग जो है वो ये देखता है कि हर कोई जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करे और प्लान जो है आपका वर्क जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग अकम्पलिश हो एज़ यू नो डैट प्लान ऑलवेज एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इन सिंपल वर्ड यू कैन से डैट कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएटेड फंक्शन ओके सो आप यहाँ पर सिंपली अपने काम को अपने एक्चुअल प्लान plan को प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं तो जो भी आपने प्लान कर रखा है प्लान बनाए हैं आपने जो भी गोल्स बनाए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ही बनाए होंगे और आप यहाँ पे सिंपली ये चेक करते रहते हैं कि आपके प्लान्स जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं आपका वर्क जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ओके एन अदर फीचर ऑफ़ कंट्रोलिंग इज परवेजिव सो परवेजिंग मीन्स इट इज़ यूनिवर्सल एंड आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि कंट्रोलिंग जो है वो सिर्फ एक लेवल ऑफ़ मैनेजमेंट का नहीं काम होता है सिर्फ एक पर्सन इसको नहीं करता है बल्कि आपके जो मैनेजमेंट के सारे लेवल्स हैं विट मीन्स विच मीन्स टॉप लेवल मिडिल लेवल ऑपरेशनल लेवल ये सारे लेवल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं कंट्रोलिंग का फंक्शन ओके एंड अदर फीचर ऑफ कंट्रोलिंग इज इट इज़ कॉन्टिन्यूस सो कंट्रोलिंग जो है वो वन टाइम जॉब नहीं है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और ये कैरीड ऑन रहता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करता है सो इट इज़ परस्यूड ऑन एवरी वेयर ओके और ये तब तक परस्यू करता रहता है जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रहा है चल रहा है ओके एन अदर फीचर ऑफ कंट्रोलिंग इज एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंट्रोलिंग फर्स्ट इज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक एंड अनदर इज कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग सी एज आई टोल्ड यू इन द डेफिनेशन डैट कंट्रोलिंग आप कंट्रोलिंग में सबसे पहले क्या करते हैं अपनी प्लान परफॉर्मेंस को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को दोनों को कंपेयर करते हैं सो so, आपने क्या किया है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए प्लान परफॉर्मेंस को देखा है मीन्स आपने पीछे देखा है उन प्लान्स को जो आप पहले बना चुके हैं दिस मीन्स यू हैव लुक बैक टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन ओके सो इट इज इट मीन्स कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक एंड मोर ओवर इन द डेफिशन आई टोल्ड यू डैट इन कंट्रोलिंग वी Not only compare past performance with actual performance but we also see where there is any deviation or not, and with this, we also suggest some measures to remove the reasons for failure of plans. Also, so we do this function because to make sure that plans and performance match in future. So, your controlling is forward looking. Bhi hai. So, with this, you can understand that. कंट्रोलिंग आपका बैकवर्ड लुकिंग भी है क्योंकि यहाँ पे आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ देखते हैं आप यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस वो चीज़ देखते हैं जो आप पहले कर चुके होते हैं एंड यहाँ पे अगर वो चीज़ें मैच नहीं करती हैं तो आप कुछ करेक्टिव मेजर्स भी देखते हैं जिससे कि आपकी जो फ्यूचर में आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस को मैच करे सो so यहाँ पे आपकी कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है ओके नाउ विद दिस वी हैव अनदर टॉपिक ऑफ कंट्रोलिंग डैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग सो यहाँ पर देख लेते हैं कि कंट्रोलिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सो अब फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज़ इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो आपका कंट्रोलिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है सो इट इज़ वेरी सिंपल आपको बहुत अच्छे से पता है प्लान जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देखते हुए ही रखे जाते हैं और जब भी हम प्लान बनाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होना चाहिए और कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो ये इंश्योर करता है कि जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं सो इट इज़ यू कैन से डैट कंट्रोलिंग फंक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन और यू कैन से कंट्रोलिंग फंक्शन जस्ट फोकसज़ ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल ओके नाउ एन अदर इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज़ फॉर इवेल्युएटिंग एंड जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स सो आप यहाँ पे क्या करते हैं कंट्रोलिंग में आप इजीली जज कर सकते हैं कि आपके स्टैंडर्ड या टारगेट जो भी सेट किए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है और अगर एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम है तो वो रिवाइज करता रहता है अपने स्टैंडर्ड्स टाइम टू टाइम जिससे कि आपके जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उससे मैच कर सके सो विद हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग यू कैन नॉर्मली जज और यू कैन नॉर्मली इवेल्यूएट द एक्ूरेसी और यू कैन से दैनडर्ड एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड ओके तो यहाँ पे कंट्रोलिंग के साथ आपकी स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी भी चेक हो जाती है एंड अदर इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज मेकिंग एफिशेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज सो विद द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग अ मैनेजर सीक्स टू रिड्यूज़ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स सो आपके जब आपके स्टैंडर्ड्स प्री डिटरमाइंड होते हैं हर एक एक्टिविटी के तो उसकी वजह से आपके जो रिसोसेज़ हैं उनका एफेक्टिव यूज़ होता है और यहाँ पर मैनेजीरियल जो है वो कॉन्टीन्यूस चेक भी रखे होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को के ऊपर भी वैदर दे आर फ़िज़िकल वेदर दे आर ह्यूमन रिसोर्स एनी रिसोर्स जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर उनप कम्प्लीट चेक रखे होता है और कंट्रोलिंग की प्रोसेस से वो ये देखता रहता है कि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है ओके एंड अदर ऑफ कंट्रोलिंग इज़ इट इम्प्रूव्स इम्प्लॉयज़ मोटिवेशन सो अगर आपका कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो वो देखेगा कि इम्प्लॉयज़ को एडवांस में ही पता हो कि उससे क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस विच दे आर एक्सपेक्टिंग इट फ्राम देअर एम्प्लॉयज़ एंड इट दस मोटिवेट्स एंड हेल्प देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस सो आपके कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होता है कि आपके जो भी गोल्स हैं जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्लॉइज़ को या आपके सबॉर्डिनेट्स को पहले ही एडवांस में बता दिए जाते हैं और एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो है वो कॉन्टिन्यूसली गाइड करता रहता है एम्प्लॉयज़ को उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसके रिगार्डिंग में एंड दिस फ्री कम्युनिकेशन एंड केयर मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू गिव बेटर परफॉर्मेंस ओके सो विद दिस वी हैव अनदर अदर इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग डैट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन सो फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन में क्या है कंट्रोलिंग जो है ये देखता है कि प्रॉपर डायरेक्शन लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं और वेरियस फैक्टर्स मेंटेन हो रहे हैं प्रॉपरली या नहीं हो रहे हैं सो so, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल्ड रहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन एंड अदर सो आपके जो भी पहले स्टैंडर्ड बनाए दिए गए हैं प्री प्लान्ड स्टैंडर्ड्स हैं या प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करती हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं एक दूसरे से सो कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन लेके आता है सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेल कर रहे हैं और यू कैन से नॉर्मली कि कंट्रोल प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टू विद दिस वी हैव अनदर अदर ऑफ कंट्रोलिंग दैट इज इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन सो effective controlling system keeps the subordinates under check and make sure they perform their functions efficiently so जब आपका कंट्रोल रहता है मतलब मैनेजर का कंट्रोल रहता है सबॉर्डिनेट्स पे वो कॉन्टिन्यूसली उन्हें चेक करते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि वो अपना फंक्शन जो है सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ओके एंड यू मोर ओवर से डैट देर इज अ शार्प कंट्रोल ओवर द चेक ऑन द एम्प्लॉयज वेदर दे आर

आपने कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ी है सो so, सब चीज़ अच्छी अच्छी नहीं होती है इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं सो so, हम यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं कि कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस क्या हैं सो वी हैव फ्यू लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग आल्सो अवर फर्स्ट लिमिटेशन इज डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स सो आप जो भी प्लान्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए वहाँ पे आप क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट नहीं करते हैं ठीक है और जब तक आपकी सॉरी uh, आपके गोल्स जो हैं या आपके स्टैंडर्ड जो हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं रखे जाएंगे तो कंट्रोल जो है अपना लूज कर देगा इफ़ेक्टिवनेस एज़ यू कैन से डैट कंट्रोल सिस्टम लूजर्स इट्स एफेक्टिवनेस वेन स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिफाइन इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स दिस मेक्स कम्पेरिजन विद स्टैंडर्ड्स आर डिफिकल्ट टास्क तो जब तक आपकी चीज़ें क्वान्टिटेटिव टर्म्स में नहीं होंगी तब तक आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मैच नहीं कर पाएंगे कम्पेयर नहीं कर पाएंगे एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा जैसे कि आप ह्यूमन बिहेवियर इसको आप किसी भी क्वान्टिटेटिव टर्म में नहीं रख सकते हैं इसी वजह से आप परफॉर्मेंस को मैच भी नहीं कर सकते हैं इम्प्लॉमेल हो गया जॉब सेटिसफेक्शन हो गया दीज आर फ्यू ऑफ द टर्म्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली एंड जब आप इन चीज़ों को क्वांटिटेटिवली स्टैंडर्ड नहीं दे सकते हैं और तब आप नॉर्मल आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी प्लान परफॉर्मेंस के थ्रू कंपेयर भी नहीं कर पाते हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है तो ये एक लिमिटेशन है कंट्रोलिंग की एन लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग इज लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स सो कंट्रोलिंग में क्या होता है कि आप अपनी इंटरनल फैक्टर्स जो भी हैं आपके सप्लायर्स कस्टमर्स तो इन सारी चीज़ों को तो आप कंट्रोल कर लेते हैं बट आप एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए कॉम्पटिशनस हो, हो गए इन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ओके एंड अदर लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग इज रेजिस्टेंस फ्राम एम्प्लॉयज़ सो कंट्रोल जो है वो इम्प्लॉयज़ को रेजिस्ट करता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें फ्रीडम नहीं मिल रही है ओके एंड मोर ओवर आई वॉन्ट टू एड डैट कंट्रोल जो है वो रेजिस्ट किया जाता है बाई स्टूडेंट्स ऑल्सो क्योंकि उन्हें भी लगता है उन्हें फ्रीडम नहीं मिल रही है फॉर एग्जाम्पल इम्प्लॉयज़ में रेजिस्ट एंड गो अगेंस्ट द यूज़ ऑफ़ कैमराज टू ऑब्ज़र्व देम माइन्यूटली जैसे इम्प्लॉयज़ को नहीं अच्छा लगता है कि कैमरा लगे हों और जो उनकी उनको कॉन्टीनुअसली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ऐसे ही स्टूडेंट्स को भी ऐसा लगता है कि स्कूल्स में कॉलेज़ में क्लासरूम्स में कैमरेज नहीं कैमरा नहीं होने चाहिए क्योंकि उन लोग की जो भी हरकतें हैं या आप ये कह सकते हैं उनकी जो भी फंक्शंस हैं वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर ली जाएंगी तो बेसिकली स्टूडेंट्स भी इस चीज़ के खिलाफ ही होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कंट्रोल जो है वो हमारी फ्रीडम को रोक देगा ओके okay? सो वी हैव another limitation लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग दैट इट इज़ कॉस्टली सो कंट्रोल में आपका बहुत ढेर सारा एक्सपेंडिचर लगता है टाइम लगता है और बहुत एफर्ट्स लगते हैं सो so, स्मॉल enterprise जो है उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल नहीं करवा पाते हैं और मैनेजर्स को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग है या ऑपरेटिंग है कंट्रोल सिस्टम की वो उसके बेनिफिट से ज़्यादा ना हो ओके okay? आपके कंट्रोल सिस्टम की जो भी बेनिफिट मिल रही है उससे आपकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग एंड आई होप कि आपको ये सारी कॉन्सेप्ट जो है कंट्रोलिंग की क्लियर हो गई हो डेट वाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग वॉट आर द आस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग वॉट आर द नेचर एंड फ़ीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग एंड मोर ओवर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग एंड द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग so please go through your books read it from there and if you still have any query regarding this particular topic and if you have any doubt regarding this particular topic please ask your queries to me and if you find my video helpful then press like button share it with your friends and subscribe to my channel okay thank you